हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेंद्र मातो और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो पे करने वाला हूं अनबॉक्सिंग, जो कि आहूजा का फुल सेटअप है, खासकर मंदिर एवं मस्जिद के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास मौजूद है आहूजा का मिक्सर एम्पलीफायर SSB120DP का, जो कि 120 वाट RMMS का है और इसका मैक्सिमम 160 वाट। और दूसरा मेरे पास है दोस्तों AU4060, जो कि 40 वाट का 2 यूनिट है। तीसरा है AUD99XLR डायनामिक माइक्रोफोन, जिसे आसान भाषा में लोग बोलते हैं माइक। और ये है माइक्रोटेक 1mm का वायर। तो चलिए, इन सभी का हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं एक एक करके। दोस्तों, SSB120 का 0DP का जो प्राइस है, आप लोग देख सकते हैं 13120 है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा वारंटी कार्ड और इसके अंदर दो फ्यूज बल्ब दिया हुआ है, दो फ्यूज बल्ब है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। और ये रहा हमारा मिक्सर एम्पलीफायर, ऐसे भी हम लोग सिंपली निकालेंगे, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बॉक्स से इसके एम्पलीफायर को निकाल लिए हैं। देख सकते हैं, दोनों साइड इस तरह से पैकिंग किया हुआ रहता है, तो इसको हम लोग हटाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा रहा रिमोट कंट्रोल, जो कि वॉल्यूम अप डाउन किया जाएगा। ये हमारा रिमोट है। सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ये है एलोग्राम, जो कि हर मशीन में दिया रहता है, इसी से ओरिजिनल का पहचान किया जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं आउटपुट लेवल, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, +3 dB, 0, -3, -8 और -13। यहाँ तक ग्रीन ग्रीन कलर का दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का लाइट। इस लेवल तक साउंड को बजाते हैं तो आप लोग बेहतरीन तरीके से साउंड बजा सकते हैं। और ये जो दो रेड कलर का दिख रहा है, अगर ग्रीन कलर से क्रॉस करके रेड कलर में जाते हैं तो दोस्तों यूनिट हट या साउंड स्पीकर हट सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि -3 के नीचे ही आप लोग रीडिंग दें, ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोग साउंड को बजा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये वन ऑफ का बटन है। ऊपर करेंगे तो ऑन हो जाएगा और नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें 5 माइक दिया हुआ है, जैसे माइक 1, माइक 2, माइक 3, माइक 4 और माइक 5 है, आप देख सकते हैं। और ये है माइक 3, ऑक्स 1, ऑक्स 2। और दोस्तों, ये जो बटन देख रहे हैं, इधर करेंगे तो माइक बजेगा, और ये जो है ऑक्स 1, अगर इधर करते हैं ऑन तो पीछे वाला जो मिक्सर होगा उसके सपोर्ट से बजा सकते हैं। देखो, आहूजा कंपनी ने बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इसे USB के थ्रू बजा सकते हैं, SD कार्ड के थ्रू और ब्लूटूथ के थ्रू भी बजा सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। और ये है हमारा ट्रेबल और ये है बेस। तो सिंपली चोंगा बजाएंगे तो हम लोग ट्रेबल को फुल करेंगे और बेस को कम में रखेंगे। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा केबल, दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हैं 12 वोल्ट DC, जो कि 12 वोल्ट DC करंट दिया हुआ है, जो हम लोग बैटरी से यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों फ्यूज देख सकते हैं, और ये है अर्थिंग, ये जो दिख रहा है आप लोग को अर्थ है, देख रहे हैं COM70V और 100V। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि COM70V पर आप 4 चौंगा बजा सकते हैं और COM100V पर आप 8 चौंगा बजा सकते हैं। और नीचे देख रहे होंगे COM4 ओम, तो दोस्तों इसमें 100 वाट का आप एक स्पीकर लगा सकते हैं और 8 ओम पर
600 वाट का दो स्पीकर लगा सकते हैं और कॉम 16 ओम पर 200 वाट का स्पीकर यूज कर सकते हैं। जो आप लोग देख रहे हैं ऑक्स 1, ऑक्स 2, लाइन आउट और फ्री आउट। लाइन आउट इस मशीन से दूसरे मशीन में आप अटैच कर सकते हैं, और ऑक्स 1, ऑक्स 2 आप इसमें मिक्सर से माइक के आउटपुट से इनपुट में लगा सकते हैं। हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन का प्राइस है 1370। तो देखिए दोस्तों, यह है वायर जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और यह है हमारा माइक। चलिए इसे हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ पे वन ऑफ, ऊपर करेंगे तो वन होगा और नीचे करेंगे तो ऑफ। देखिए ये AUD99XLR का है, और ये है दोस्तों माइक क्लैंप। देख सकते हैं दोस्तों, ये है माइक क्लैंप। देखिए दोस्तों, छोटू भी अनबॉक्सिंग कर रहा है, वायर को हाथ में पकड़ के रखा है। अब फाइनली हम लोग करेंगे यूनिट का अनबॉक्सिंग, जिसका प्राइस है 1835। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग इसे निकाल रहे हैं। देखिए छोटू भी मदद कर रहा है। देखिए छोटू मैनुअल को निकाल लिया, ये है मैनुअल, देख लीजिए यूनिट का मैनुअल है, जिसे छोटू अनबॉक्सिंग कर रहा है। देख सकते हैं, देखिए दोस्तों आप लोग को दिखा रहा है मैनुअल पेपर जो कि यूनिट का है। ये है यूनिट, देख सकते हैं दोस्तों, AU40XT का ड्राइवर यूनिट है, 40 वाट का। और ये है एलोग्राम, और ये कंपनी का लोगो ना दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग पीछे साइड देख रहे होंगे 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट और 40 वाट। तो हम लोग जिस पे सेट करना चाहेंगे वो आप देख रहे होंगे, ये साइन जो कि हल्का वाइट दिख रहा है। तो अगर आप लोग 30 वाट पे सेट करना चाहेंगे तो इसे आप लोग घुमा के पेचकस की मदद से 30 वाट में कर देंगे। सेट हम लोग का किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग 40 वाट पे। आप लोग को जितना मर्जी उतना में कर सकते हैं।